मैं शेफ कामची मुजर आज लेके आ रहे हैं ग्रिल सैंडविच, हाउ टू मेक रेस्टोरेंट स्टाइल में वेजिटेबल ग्रिल चीज ग्रिल सैंडविच लेके आ रहे हैं। हाउ टू मेक वेजिटेबल चीज ग्रिल सैंडविच छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट से और क्विक बना सकते हो आप। आपके पास बेसिक सी चीज़ें इन्ग्रीडियंट्स होना चाहिए और ग्रिलर होना चाहिए, उसके बाद आप क्विक बना सकते हैं। क्विक बना सकते हैं 5 to 7 मिनट्स में आपका सैंडविच सर्व ऑन द टेबल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कुकुम्बर हमने ऐसे ऐसे कट किया और ये टमाटर कट किया, उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट सॉल्ट, ये मेनी सॉस वेजिटेबल्स, ये रोमन लेट्यूस, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा, आप चीज़ स्लाइस भी यूज कर सकते हो और बेसिकली चीज़ स्लाइस ही यूज करना है, और नहीं तो आप जो आपके वहाँ मोजरेला चीज़ है वो भी कर सकते हो। ये जंबो वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन में भी बना सकते हो, छोटे वाले में भी बना सकते हो, बड़े वाले में भी बना सकते हो और ब्राउन में भी बना सकते हो, सेम उनके भी छोटे बड़े में बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट्स के साथ सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रेड स्लाइस लिया, स्लाइस लेने के बाद आपको ये मेन्यू सॉस ऐसे लगाना है इस तरीके से, ऐसे मेन्यूस लगा लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है। और मेन्यूस की जगह अगर ऑन डिमांड गैस आपका डिमांड करता है कि बटर, बटर में आपको वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच बनाता है तो आपको क्या करना है, मेल्ट बटर नहीं, बाद आपको सेम बटर भी ऐसे ही लगा देना है। और सीधा सा फंडा है, सबसे ईजी है ये बनाया। ये बनाने के बाद आपका 5 पीसेज 4 पीसेज आपका टमाटर स्लाइस, ये ऐसे चारों तरफ टमाटर लगा देना है अच्छे से प्रॉपर, ये हो गया। उसके बाद टमाटर के बाद आपको वो भी अच्छे से लगा देना है, जहाँ जहाँ पर आपका टमाटर का गैप लग रहा है वहाँ पे भी लगा देना है और अच्छे से टमाटर भी सेट कर देना है, ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एक चुटकी भर के आपका ये वाइट सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये ऐसे इस तरीके से थोड़ा ब्लैक पेपर अच्छे से डालना है। पहले हम क्या करते थे कि वाइट पेपर यूज़ करते थे, आजकल थोड़ा सा हेल्थ को मेंटेन कर को ले तो 2 से 3 या 4 पीसेस चीज़ें स्लाइस ऐसे लगा देना है। और लगाने के बाद क्या करना है, ये वाला जो ब्रेड है उसको आपको इसके ऊपर रख देना है, रख देना है यानी कि डिबोन कर देना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर इस तरीके से रखना यानी कि उसको डिबोन बोलते हैं। तो ये करने के बाद आपका ग्रिलर है जो हीट होना चाहिए यानी कि गर्म होना चाहिए, और गर्म होने के साथ साथ आप इसको इस तरीके से उठाओगे देना है, और रखने के साथ साथ ये ग्रिल हो जाएगा, ये इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है। ये इस तरीके का एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हल्का सा क्या करना है, आपको बटर लगाना है चारों तरफ दोनों साइड, ये ऐसे साइड चेंज कर लेना है, ऐसे हीट रहेगा तो ये स्लाइस यूज़ करोगे, ये दोनों साइड बटर लगा लेंगे और चारों तरफ से ये अच्छे से, उसके बाद एक बार और हल्का सा प्रेस कर देना है, प्रेस करने के साथ साथ वापस हटा देना है, फिर इसको कट करके सर्व। ये नाइफ लिया, सबसे पहले ऐसे कट करोगे आप इसको, ये ऐसे 1/4 कर देना है, जंबो है, अगर आपका छोटा ब्रेड है तो उसको 1/2 कर देना है इस तरीके से। ये आपका साथ में हल्का सा मैनिश में हो, ये हो गया, ये इस तरीके से 1/1 ऐसे इस तरीके से करते रहना है, ये हो गया। 4 पीसेज में ऐसे रख देना है। अब वो बारी आती है आपकी, हल्का सा फ्रेंच फ्राई वगैरह यूज कर सकते हैं आप इसके साथ, और फ्रेंच फ्राई के साथ साथ आप टमाटो केचप हो गया आपका, टमाटो केचप के साथ आपका मिंट सॉस, फ्रेंच फ्राई, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ सर्व कर सकते हो। लाइक से सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें, और एंजॉय के साथ साथ आपको काफ़ी सारी रेसिपी